कंपाउंड का काम कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जस्ट हम लोग बेसिक पार्ट स्टडी किए थे। बेसिक बात कहने का मतलब लिगेंड किसको कहते हैं, सेंट्रल मिडल किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, ये सब बात का हम लोग एनालिसिस किए थे लास्ट क्लास में। मींस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ओवर वो हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लिए थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करना गया। जैसे ये कंपाउंड दिया गया तो आपको ये आइडिया लग गया कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? क्योंकि आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो रखा हुआ रहता था उसमें मिडल होता था और ये सब लिगेंड बाहर में होता था, उसको बोलते थे आयनाइजेशन स्फीयर। तो देखो ये क्वेश्चंस में आपसे पूछ क्या रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो आपके माइंड में आ गया कि नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल। मैंने लिगेंड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल को। किसी जितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा उसी को हम बोल देते हैं क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ईएन का मतलब हो गया इथेन 1,2-diamine, इथेन 1,2-diamine, दिस वन। इस तरीका से आप बोलोगे कि ये आपका एक यहाँ पे स्पीसीज है और ये कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो 2 कितना करेगा, 4। और C2O4 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है बाबू, है ना, C2O4 का स्ट्रक्चर ये होता है, तो यहां से भी 2 हो जाएगा, तो 2 यहां से और 2 4 यहां से। मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू अगर हम बोलेंगे तो आप कहोगे कि 4 आएगा, 6 आ जाएगा। कैसे 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आपको पता हो गया कि 6 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ऐसे पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0। कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होगा वो 0 होता है। ये मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो दिखे उसी को लिखिए। एक ई है ना, 2 ईएन है और एक C2O4 है और एक NO2 है, बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। चूंकि आपको पता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0, इस तरीका से आप बात करोगे। और जो सेंट्रल मेटल होता है उसको एक्स मानते हैं। ईएन के बारे में आपको पता था कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसको 0 कंसिडर कर लेंगे। और C2O4 का -2 लेते हैं और NO2 का -1 लेते हैं, मीन्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ गया +3 आ गया, यहाँ पे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया। अब इसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का क्या होगा। तो देखो ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, आयंस है और ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो आप ये बात कर लोगे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन डायटायन, तो जो चार्ज होता है उसी के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था आपसे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ज मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो यहाँ पे एक क्रोमियम है, 4NH3 है, 2 क्लोरीन है, इज इक्वल टू +1 बोलेंगे। और एक्स NH3 का हम लोग 0 मान लेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है और क्लोरीन का -1 लेंगे, बराबर +1 हो जाएगा। और एक्स बराबर आप बोल दोगे यहां से तो +3 आ जाएगा, है ना। मीन्स क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस में देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका जेई का पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम बोलते ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल। और आपको पता है कि सीएन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो एक सीएन एक डोनेट करेगा, तो 4 सीएन कितना डोनेट करेगा, 4 डोनेट करेगा। मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीका से आप बात कर लोगे। ये तीनों क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ था और हम समझते हैं कि आपको जो हम बताए थे वो बेसिक से क्वेश्चन है, ये सर है ना, बेसिक से क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपका रिडॉक्स रिएक्शन ही जैसा है, जो दिखे उसको लिख देना होगा। न्यूट्रल लिगेंड जो लिखे थे उसको याद कर लीजिएगा, कौन कौन सा न्यूट्रल लिगेंड है, कौन सा एनायनिक लिगेंड है, कौन सा केटायनिक लिगेंड होता है, उसको आप ऑब्जर्व कर लोगे। चूंकि चार्ज जो हम लोग यहाँ पे NH3 का 0 लिए हैं, Cl का -1 लिए हैं, तो आप कॉपी को रिविजन करेंगे या लास्ट वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि ये वाला बात हम बताए थे, है ना, ये वाला बात आपको मेंशन करवाए हैं, उसको आप लोग को याद रख लेना। देखो आज हम लोग बात करते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीसीज। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जो मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वीकली अट्रैक्शन देगा उस मॉलिक्यूल्स को, उस सब्सटेंस को हम बोल देते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है।
और पैरामैग्नेटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स के पास, कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और डायमैग्नेटिक बोलते हैं जो वीकली रिपेल करेगा, इसमें अट्रैक्शन होता है और इसमें रिपल्सन होता है, तो जो वीकली रिपेल करेगा उसको बोल देते हैं डायमैग्नेटिक, जो वीकली अट्रैक्ट करेगा उसको बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक। और इसको होने के लिए, डायमैग्नेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नहीं होगा मीन्स क्या, वहां पे पैरामैग्नेटिक हो जाएगा नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं होगा इसका मतलब हो गया कि ये मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक होगा। तो इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं, है ना, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और नहीं होगा, इसका हम चर्चा करते हैं। तो देखो क्वेश्चन अगर हम ऐसे बात कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं ऐसा NiCl4-2 ऐसा ले लेते हैं ना। इसमें हम लोग सीखना क्या चाहते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। हम देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने बोल रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्लियर। उसके बाद हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल्स के पास में यह पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो ये सब बात हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे बनाते, देखो सबसे पहले इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर करिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर आपको पता है कि निकल को x मानेंगे और क्लोरीन का -1 -2 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -2, और इधर से इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा x बराबर +2 आ गया। निकल पे चार्ज आ गया +2, निकल पे चार्ज आ गया +2, निकल का होता है 28 एटोमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखू, देखो आप ऐसा लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d8। दो लूप करना है तो आप यहां पे ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 4s2 और 3d8, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे मीन्स आ जाएगा यहां पे आर्गन 4s0 और 3d8, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, ऐसा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आ गया। निकल पे चार्ज आया +2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीका से हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। अब हमको बताओ कि 4s में 0 है तो 4p में भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 4d में क्या होगा, 0 आ जाएगा। इस तरीका से आप बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि अगर आगे वाला और इसका ये वाला खाली है तो पीछे वाला जितना भी होगा वो सब क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मीन्स आप इनर्जी लेवल से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वहां भरते हैं जहां का इनर्जी जो होता है वो कम होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना था। तो आप ऐसे सोचो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम जस्ट इतना ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे +2 चार्ज था तो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है, तो लूज किया है तो यहाँ पे 0 हो गया। अब इसके बाद जितना भी होगा 4s 4p 4d सब क्या होगा, खाली नहीं होगा, वहां पे 0 हम लोग रख देते हैं। अब हमको बता दीजिए कि s के लिए एक बॉक्स होता है, डी के लिए 5 बॉक्स हो जाता है, डी के लिए 5 बॉक्स हो जाएगा, पी के लिए 3 बॉक्स होगा और 4d के लिए 5 बॉक्स हो जाएगा। तो आप इस तरीका से ये लिख सकते हैं, 4s के लिए 0 हो गया, 3d के लिए 5 बॉक्स है, 4d के लिए और 4d के लिए ऐसा है, d8 है ना। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, एक को सब में भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं, 8 हो गया ना। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो कहाँ डोनेट करेगा, एक यहाँ देगा, और कहाँ दे सकता है, यहाँ देगा और यहाँ देगा। इस तरीका से आप बात कर लोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, जो दिखे उसी को बोलिए आप। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एस में 1 रखे और पी में कितना रखे, 3 रखे। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और आप ये बता दो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, तो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये दो गो यहाँ पे दिख रहा है अनपेयर्ड, जिसका जोड़ा नहीं है, तो ये तो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, और ये दोनों क्या है, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो गिवेन है, इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गया। अब आपको बताया था कि जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं, कैसा कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है, क्लियर कर लीजिए। मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बोलेंगे कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स को आप बोलोगे कि ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां कोई क्लू नहीं चलेगा, उसको बोलना ही बोलना है कि वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। इसके बाद आप ये बोल सकते हो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है बाबू, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट अंडर n इंटू n+2 bm, है ना।
रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी एम, एन के जगह पे हम दो रख देंगे, तो रख दीजिए दो, टू इंटू टू प्लस टू मीन्स इसको रख सकते हैं रूट अंडर एट आ जाएगा, और रूट एट को कैलकुलेट, रूट नाइन होता तो थ्री हो जाता है, रूट एट है मीन्स थ्री से कुछ कम होगा, तो थ्री से कुछ कम होगा मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2.84 के करीब में चला जाएगा। बीएम यूनिट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बीएम। बीएम कहने का मतलब क्या, होर मैग्नेटिज्म, जैसे टाइम का यूनिट होता है सेकंड, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, उसी टाइप से मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने के लिए टर्म दिया गया है बीएम। बीएम को बोल देते हैं होर मैग्नेटिज्म, ऐसे बोल देते हैं। फिर से क्लियर कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का, पहला स्टेप है इसमें कि आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, दूसरा स्टेप है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद में जितना इलेक्ट्रॉन्स लूज करने को कहेगा उतना लूज करवा देना है, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर को देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना, यहां पे चार था तो चार हम लोग को जहां जहां खाली होगा वहां रखेंगे, तो एक यहां रखे तीन यहां रखे, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। आप पहले S में भरते हैं, उसके बाद P में भरते हैं, उसके बाद D में भरते हैं, ऐसा नहीं आप करेंगे कि पहले P में भरेंगे फिर D में भरेंगे, चाहे पहले D में भरेंगे फिर S में भरेंगे, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एकदम सिस्टमेटिक बढ़ना है कि पहले 4S होता है उसके बाद 4P होता है उसके बाद 4D होता है, तो आप इसी तरीका से बात कर लोगे कि पहले 4S में जाएगा उसके बाद 4P में जाएगा देन 4D में जाएगा। क्लियर, इस हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो एक क्लू हम बताते हैं कि आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो, जैसे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू अगर दो आ जाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कहेंगे sp होगा, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर, आप ये पढ़े होंगे कहां पे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 2 है तो sp ही होगा, एकदम नेसेसरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 3 हो जाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और इसको हम बोल देंगे ये ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर, और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, एकदम फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 आ जाएगा तो इसमें दो बात होगा, एक होगा sp3 हो सकता है और दूसरा इसका हो जाएगा dsp2 हो सकता है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 रहे, जैसे पिछला वाला एग्जांपल में हम लोग दिए थे कि कोऑर्डिनेशन ni, ऐसा एग्जांपल हम लोग दिए थे nicl4-2 दिए थे, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 पर हम निकाले थे तो sp3 आ गया, कब dsp2 होगा हम बताएंगे। इसमें आपका स्ट्रक्चर को याद रखना है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और इसका स्ट्रक्चर को आपको ध्यान देना है कि स्क्वायर प्लानर होगा, स्क्वायर प्लानर, और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट एकदम फिक्स होता है, और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 5 आ गया तो इसको हम बोल देंगे sp3d या हो सकता है dsp3, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू अगर 5 आ गया इसको बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d या dsp3 हो सकता है। ये जब होगा ऑर्टर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है ऑर्टर और इनर जो हम लोग करेंगे इस पे एग्जांपल, लेकिन अभी इतना ही समझना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू जब 5 आएगा तो फिक्स है कि sp3d आएगा, और इसमें हम बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाई पिरामिडल, और इसका एंगल हो जाता है 90 डिग्री और 120 डिग्री। ये क्लियर कर लीजिए बात। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 रहे तो इसको बोल देना है sp3d2 हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, और इसका एंगल हो जाता है 90 डिग्री। और अगर ऐसा रहे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 7 आ जाए, इसको हम बोल देते हैं sp3d3, और ये हो जाता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और एंगल हो जाता है 90 डिग्री और 72 डिग्री। अब फिर से सुनो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 2 रहे तो आप फिक्स कर लो कि उसका sp होगा और लीनियर स्ट्रक्चर होगा 180 डिग्री।
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 3 आ जाए तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि एसपी 2 हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर इसका स्ट्रक्चर होगा और बाउंड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 रहे उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि एसपी 3 होगा या डीएसपी 2 हो सकता है। यहां ऑप्शन है कि दो बात हो सकता है, कैसे कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लानर हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 5 रहे इसको हम बोलेंगे एसपी 3डी होगा या डीएसपी 3 हो सकता है, ट्राइगोनल वाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा और एंगल भी यहां पे 90 डिग्री और 120 डिग्री होगा। और यहां पे अगर 6 रहेगा तो एसपी 3डी2 ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री, और 7 अगर रहेगा इसको हम बोल देंगे एसपी 3डी3 होगा या पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा या 90 डिग्री और 72 डिग्री होगा। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़े होंगे, वेस्पर थ्योरी वहां पे हम लोग देखे होंगे, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते थे तो इस तरीका से आपको पता था, और वही उसी बात को हम यहाँ पे कम्प्लेक्स कंपाउंड में स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए इस पे हम कुछ एग्जाम्पल देख के और देखते हैं कि कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। देखो इस कॉम्प्लेक्स का आपसे पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से आपको पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो आप यहां से लॉजिक ले सकते हैं। तो अब देखो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मींस आपके माइंड में एक बात आ गया होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी 3डी2 या डी2 एसपी 3 हो सकता है। ये होगा तो आउटर होगा, ये होगा तो इनर हो जाएगा, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। अब देखिए सबसे पहले क्या स्टेप बताए थे, जब भी हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप था तो पहला स्टेप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, दूसरा स्टेप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है, तीसरा स्टेप होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग सब ऑर्बिट में क्या करते हैं, फिल करते हैं, सब ऑर्बिटल्स ऑफ सब ऑर्बिट में हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। जैसे देखिए इसको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, एक Mn है 6H2O है बराबर हो जाएगा +2, Mn को हम लोग X मान लेंगे और वाटर को हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 ले लेंगे, एक्स बराबर आपको पता हो गया +2 होगा। Mn को हम लोग मान ली, Mn पे आ जाएगा चार्ज +2, Mn का होता है एटॉमिक नंबर 25। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट आपको बताते हैं कि आर्गन के टर्म में आप लिखोगे आर्गन 4s2 और 3d5, इसका देखो 18 हो गया, 18 तो 20 हो जाएगा और 5 25 होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख दिए हैं। अब +2 का मतलब क्या होता है, +2 का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, तो 4s0 हो जाएगा, कहां से लूज करेंगे, आप यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालना होता है, क्लियर कर लीजिए बात, और 3 के बाद आता है 4, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकला। हाँ अगर ये रहता +3 चार्ज वाई दीवे यहां पे, अगर +3 चार्ज आता तो दो यहां से लूज करते और एक यहां से लूज करते, लेकिन यहां पे +2 था इसलिए हम सिर्फ यहां से करेंगे, यहां से जरूरत नहीं पड़ेगा आपको निकालने का, 4s2 और 3d5 हो जाएगा। अब यहां पे देखो 4s0 है, 4s0 है ना, तो 4s के बाद क्या आता है, 4p आता है, और उसके बाद क्या आता है जी 4d आता है, उसको खाली रखेंगे हम लोग। अभी देखे थे कि जितना भी इसके आगे वाला बात होगा 4s के बाद 4p, 4p के बाद 4d होगा, सब वेकेंट हो। अब 4s के लिए आपको पता है कि एक बॉक्स होगा, 3d के लिए पता है कि 5 बॉक्स होगा, क्यों, क्योंकि d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 10, p के लिए आपको पता है कि मैक्सिमम 6 होता है इसलिए 3 बॉक्स होगा, और d के लिए मैक्सिमम हो जाएगा 5 बॉक्स। यहाँ पे आप ऐसे बात कर लो, 4s के लिए 0 हम बात कर लेंगे, 3d के लिए यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, 4p के लिए 0 और 4d के लिए 0। अब यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 5 इस तरीका से हम बात कर लेंगे। अब हमसे ये बता दो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू है 6, तो 6 रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू आपको, तो देखो यहाँ पे आप रख सकते हो 1 2 3 4 5 6, अब नहीं रखेंगे, होगी 6 का जरूरत था, 6 हम लोग रखती है, ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर है और हाफ एरो जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमसे बात कर लो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए आपसे यहाँ पे एस में 1 को रखे हैं इसलिए एस तो होगा ही, पी में 3 को रखे हैं और डी में 2 को रखे हैं। तो देखिए इसका एसपी 3डी2 आ गया, जो हम पहले भी किए थे कि एसपी 3डी2 होगा, अब इनर होगा या आउटर हो गया, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वहां पे अगर लाके कोऑर्डिनेशन नंबर को फिल करते हैं तो बोल देते हैं इनर, और अगर उसके बाद वाला में जाएगा तो बोलेंगे ऑर्टर है। तो देखिए जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको बोल देंगे कि ये ऑर्टर और वाइटल कॉम्प्लेक्स है, ये ऑर्टर और वाइटल कॉम्प्लेक्स है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन ऑर्टर होगा और कौन इनर होगा, तो आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लाके फिल करेगा तो ऑर्टर नहीं होगा, वो इनर होगा,
और उसके बाद वाला में अगर भरते हैं तो उसको हम बोल देते हैं आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। एक बात तो समझ में आया इसका हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा बात हम ये बताते हैं कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो देखो अनपेयर्ड ही सब है, कोई पेयर तो है नहीं, सब तो अकेले ही है। पेयर तो होता है जब दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऊपर एक नीचे, वैसा तो है नहीं, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम बोल देंगे पांच है। और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उस मॉलिक्यूल्स को, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं कि पारा मैग्नेटिक होगा। मीन्स ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आएगा कि ये पारा मैग्नेटिक है, ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो पारा मैग्नेटिक है। नाउ पारा मैग्नेटिक है, इसके बाद आपको ये बात करना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालिएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपके पास हम एक फॉर्मूला दिए थे रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, है ना, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, और एन के जगह पे हम कितना रखेंगे जी, पांच रख देंगे, पांच रखेंगे तो पांच, और इस तरीका से आप काम करोगे तो रूट अंडर 35 आ जाएगा, रूट अंडर 35 आ जाएगा। मीन्स इस कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 35। अगर 36 होता तो 6 आ जाता, 35 है तो 6 से थोड़ा सा कम होगा, और इसको हम इस तरीका से बात कर देंगे कि 6 से थोड़ा सा कम इतना आ जाएगा, है ना। तो ये इसमें चार तरीका काम, पहले इससे पूछ सकता था कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, दूसरा पूछ सकता था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा जो 6 आ जाएगा, तीसरा पूछ सकता था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चौथा ये पूछ सकता था कि कॉम्प्लेक्स आउटर और वाइटल है या इनर और वाइटल है, तो हम बोलेंगे आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स है। पांचवा ये बोल सकता था कि कॉम्प्लेक्स का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हम बोल देंगे पांच है, है ना, ये पारा मैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 5.96 आ जाएगा। अब देखिए इसी सिमिलर क्वेश्चन है ये दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का अगर हम बात करेंगे कि एक क्रोमियम है 6 वाटर मॉलिक्यूल से बराबर +3 हो जाएगा। यहां पे इसका भी वही बात है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, तो अब सिंपल सा बात है कि मेटल का एक्स मानते हैं, न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 ले लेंगे, और x बराबर यहां पे आ जाएगा +3। क्रोमियम को हम लोग बोल दिए ना, क्रोमियम पे चार्ज गया +3, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बाबू 24। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 4s1 और 3d5 होता है। अब तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज कराना है, तो देखो तीन इलेक्ट्रॉन्स कैसे लूज करेंगे, 4s और 3d3 आ जाएगा, और 4s0 है तो 4p भी क्या होगा, 0 होगा, और 4d भी क्या होगा, 0 होगा। अब 4s के लिए एक बॉक्स, 3d के लिए पांच बॉक्स, 4p के लिए तीन बॉक्स, और 4d के लिए पांच बॉक्स। तो 4s के लिए हम बात करेंगे कि यहां पे 0 हो गया, 3d के लिए यहां पे पांच बॉक्स है, 4p के लिए 0 हो जाएगा, और 4d के लिए 0 हो जाएगा। अब यहां पे तीन है तो इसको रखो 1, 2, 3। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है, तो 6 आप रख दो ना, देखिए यहां पे रखेंगे क्योंकि यहां पे खाली है पहले से, अगर इलेक्ट्रॉन्स होता तो नहीं रख पाते, लेकिन ये पहले से ही वैकेंट है इसलिए आप यहां पे 1 रख दो, 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। अब इसमें जाने